दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए। और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूं लोकेश। आज सुनिए एक लोककथा, राजा और चोर। पुराने समय में कहानियां कहीं लिखी नहीं जाती थी, बल्कि वो सुनाई जाती थी और लोग उसे याद कर लिया करते थे। नतीजे में कहानियां सुन और याद करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती रहती। यही कहानियां कालांतर में लोक का रूप ले लेती हैं और उन्हें लोक कथा कहा जाने लगता है। अपने देश में ऐसी हजारों नहीं, लाखों लोक कथाएं यहां वहां बिखरी हुई हैं। आज आपको ऐसी ही एक दिलचस्प लोक कथा सुनाते हैं। ये कथा एक राजा और चोर की है। चोर न सिर्फ दिलेर था, बल्कि बहुत ही होशियार था। उसने अपनी होशियारी से राजा को भी मूर्ख बना दिया, लेकिन राजा उससे बहुत प्रभावित हुए। क्या होता है इस कहानी में, ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए, थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सब नेगेटिव पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए फेफड़ों में आ रही है और आपके फेफड़े फूल रहे हैं और कैसे वो आपके फेफड़ों से वापस गले और नाक के माध्यम से वापस
निकल रही है और आपके फेफड़े थोड़ा सिकुड़ रहे हैं। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है। बहुत पुरानी बात है, एक बहुत बड़ा राज्य था। वहां के लोग सुकून से रहते थे, लोगों को कोई कष्ट नहीं था। बस लोग एक चोर से परेशान थे, परेशान ही नहीं बल्कि हैरान भी थे। हैरानी की वजह यह थी कि वो कुछ इस तरह के करामात करता था कि लोग दांतों तले उंगली दबा लेते थे। लोग तो यहां तक कहते थे कि वो जागती आंखों से काजल तक चुरा लेता है। चोर भी बड़ा दिलेर था। उसकी शोहरत जब आसपास के इलाकों में खूब हो गई तो एक दिन उसने सोचा कि उसे अपनी करामात राजधानी में भी दिखानी चाहिए। आखिर राजा को भी तो पता चले कि उनके राज में कोई करामाती चोर भी है। दूसरे वो राजधानी के चोरों के बीच भी अपनी धाक जमाना चाहता था। मन में ये ख्याल आते ही वो अगली सुबह राजधानी की तरफ चल पड़ा। कोई उसे जानता पहचानता तो था नहीं, इसलिए उसे कहीं कोई दिक्कत भी नहीं हुई। राजधानी पहुंचकर उसने शहर को देखना शुरू किया कि वो अपना काम कहां से शुरू करे। काफी देखने भालने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा कि उसे अपने काम की शुरुआत राजमहल से करनी चाहिए ताकि सभी को पता चल सके कि वो यहां आ पहुंचा है। राजा के महल की रखवाली करने के लिए बहुत सारे सिपाही तैनात थे। वो 24 घंटे राजमहल की निगरानी किया करते थे। हालत ये थी कि बिना सिपाहियों की नजरों में आए कोई महल में घुस भी न सकता था। पहर बताने के लिए राजा के महल के बाहर एक बहुत बड़ा सा घंटा लगा हुआ था। जितने बजते थे राजा के सिपाही उतनी बार घंटा बजा देते थे। चोर ने 12 बड़ी बड़ी कीलें इकट्ठा की और पहुंच गया महल के एक छोर की तरफ और इंतजार करने लगा। रात के 12 बजने पर सिपाहियों ने पहला घंटा बजाया और बहुत जोर की आवाज हुई
घन। तभी चोर ने पहली कील महल की दीवार में ठोंक दी। दूसरी बार घंटा बजा और चोर ने दूसरी कील ठोंक दी। इस तरह से कुल 12 बार घंटा बजा और चोर ने 12 मोटी कीलें महल में ठोंक दी। नतीजा ये निकला कि किसी को पता ही नहीं चला कि दीवार में कीलें ठोकी जा रही हैं। इसके बाद चोर बहुत आराम से उन कीलों के सहारे ऊपर चढ़ता चला गया। महल में पहुंचने के बाद उसे खजाना ढूंढने में ज्यादा देर नहीं लगी और वो खजाने से बहुत सारे हीरे जवाहरात चुरा लाया। अपने काम को अंजाम देने के बाद चोर बहुत आराम से उन्हीं कीलों के सहारे नीचे उतर आया और रफू चक्कर हो लिया। अगले दिन खजांची ने जान लिया कि चोरी हो गई है। उसने जाकर राजा को इसकी खबर दी। खबर सुनकर राजा जितना नाराज हुआ उतना ही हैरान भी हुआ। उसने चोर का पता लगाने का हुक्म दिया, साथ ही ये भी कहा कि शहर में सिपाहियों की गश्त बढ़ा दी जाए। आधी रात के बाद अगर कोई भी सड़क पर नजर आए तो उसे फौरन गिरफ्तार करके उसके सामने पेश किया जाए। चोर बहुत होशियार था। जिस वक्त राज दरबार में राजा इसका ऐलान कर रहे थे, चोर आम नागरिक के तौर पर वहां मौजूद था और खड़ा खड़ा मंद मंद मुस्कुरा रहा था। राजा ने 25 होशियार सिपाहियों की लिस्ट तैयार कराई और उन्हें तुरंत बुलाकर जिम्मेदारी सौंप दी गई। चोर ने जान लिया कि आखिर वो कौन से 25 सिपाही हैं जो रात में गश्त करेंगे। सभा खत्म होते ही चोर अपने घर की तरफ रवाना हो गया। घर जाकर उसने साधु का भेष धरा और उन 25 सिपाहियों के घर की तरफ रवाना हो गया। सिपाहियों के घर पास पास ही बने हुए थे। चोर बारी बारी से हर घर गया और सिपाहियों की पत्नियों के हाथ देखकर कहा कि आज की रात बहुत अहम है। चोर तुम्हारे पति के भेष में घर में घुसने की कोशिश करेगा, तुम किसी भी सूरत में दरवाजा मत खोलना। वो कितना भी कहे कि वो तुम्हारा पति है, लेकिन उसकी बात मत सुनना। वो आवाज बदल कर बोल रहा होगा। अगर तुमने दरवाजा खोल दिया तो वो तुम्हारे घर में घुस जाएगा। सिपाहियों की पत्नियों ने उपाय पूछा तो चोर बने साधु ने कहा कि तुम उनके ऊपर दहकते हुए अंगारे फेंकना, इससे चोर जल जाएगा और फिर आसानी से
पकड़ में आ जाएगा। इस तरह ये बात चोर बने साधु ने बारी बारी से सभी को समझा दी। चोर की इस चाल में सभी महिलाएं फंस गईं और वो चोर के आने का इंतजार करने लगी। उधर सिपाहियों ने आधी रात के बाद तक पूरी ईमानदारी से कष्ट की, लेकिन उन्हें कहीं भी चोर नजर नहीं आया। सुबह होने से पहले उन्हें यकीन हो चला कि अब तो चोर आएगा नहीं, क्योंकि कुछ ही देर में सुबह होने वाली है। इसलिए वो घर की तरफ सोने के लिए चल दिए। घर पर पहुंचकर सिपाहियों ने पत्नियों को दरवाजा खोलने के लिए आवाज दी। बदले में उनकी पत्नियों ने चोर की बताई हुई कार्रवाई शुरू कर दी। हालत ये हुई कि सिपाहियों में भगदड़ मच गई। कुछ तो बेचारे दहकते अंगारे से जल भी गए। इन सब उठापटक में सुबह हो गई। उजाला होने पर पत्नियों ने जाना कि आने वाले कोई चोर नहीं बल्कि उनके पति हैं। इसके बाद पत्नियों ने उन्हें साधु की कही सारी बात सच सच बता दी। कुछ देर आराम करने के बाद सिपाही दरबार में उपस्थित हुए और राजा को सारी कहानी कह सुनाई। सिपाहियों की बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने शहर कोतवाल को तलब किया और उसे चोर को पकड़ने की जिम्मेदारी सौंप दी। उस रात को कोतवाल पूरी सजगता से शहर में गश्त करने लगा। आधी रात गुजरने के बाद उसे एक गली में एक साया जाता हुआ नजर आया। उसने ललकारते हुए कहा, कौन हो तुम? जवाब आया, हुजूर, मैं चोर हूं। उसकी ये बात सुनकर कोतवाल को लगा कि कोई उससे मजाक कर रहा है, वरना कोई ऐसा क्यों कहेगा भला। कोतवाल ने कहा कि अगर तुम चोर हो तो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें काठ में बंद कर देता हूं। चोर उसके साथ काठ तक चल दिया। वहां पहुंचकर चोर ने कोतवाल से कहा, हुजूर, काठ में कैसे डालते हैं? कोतवाल ने उसे टोकते हुए कहा, तुम मुझे बातों में उलझाकर भाग जाना चाहते हो? मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा। जवाब में चोर ने कहा, हुजूर, अगर मुझे भागना होता तो मैं आपके साथ आता ही क्यों? बस मैं जरा देखना चाहता था। कोतवाल उसकी बातों में आ गया और वो जैसे ही काठ में घुसा, चोर ने तुरंत ही काठ का ताला बंद कर दिया और शहर कोतवाल को
राम राम कहकर चलता बना। शहर कोतवाल उससे मिन्नतें ही करता रहा। उन दिनों सर्दियों के दिन थे। सुबह होने पर काठ में पड़ा पड़ा कोतवाल अधमरा सा हो गया। सुबह कुछ सिपाहियों का उधर से गुजर हुआ तो उन्होंने कोतवाल साहब को काट से बाहर निकाला। जब दरबार लगा तो कोतवाल ने अपने साथ घटी घटना झेपते डरते हुए राजा को सुना दी। उसे मालूम था कि अगर वो सच नहीं बताएगा तो ये बात सिपाही बता देंगे, इसलिए उसके पास दूसरा कोई चारा ही नहीं था। शहर कोतवाल की दुर्गति देखकर राजा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। अब उसने किसी दूसरे पर भरोसा करने की जगह खुद ही चोर को पकड़ने का फैसला किया। चोर आम नागरिक बनकर दरबार में मौजूद था, इसलिए उसने सारी बात सुन ली। धीरे धीरे रात घिर आई। उधर चोर साधु के भेष में एक घने पेड़ के नीचे धुनी रमाकर बैठ गया। राजा ने भी शहर भर में गश्त शुरू कर दी। वो अकेला ही था। राजा एक बार साधु बने चोर के सामने से गुजर गया। जब वो दोबारा उधर पहुंचा तो उसने चोर से पूछा, क्या तुमने किसी को इधर से गुजरते हुए तो नहीं देखा? साधु बने चोर ने बहुत ही मासूमियत से जवाब दिया, नहीं सरकार, मैं तो ध्यान में था, मुझे अंदाजा नहीं है कि कोई इधर से गुजरा या नहीं। आप चाहें तो मेरे साथ बैठ सकते हैं। उसकी बात सुनकर राजा को एक उपाय सूझा। उसने साधु से कहा, ऐसा करते हैं, हम दोनों अपने कपड़े बदल लेते हैं। मैं यहां साधु बनकर बैठ जाता हूं और तुम घोड़े पर सवार होकर शहर की गश्त करो। अगर कोई नजर आए तो उसे फौरन पकड़ लेना। साधु ने पहले तो झूठ मूठ के लिए इनकार कर दिया। काफी हील हुज्जत के बाद उसने राजा की बात मान ली। इस तरह से दोनों ही लोगों ने अपने कपड़े बदल लिए। राजा साधु के भेष में वहां बैठ गया और साधु बना चोर घोड़े पर सवार होकर शहर में गश्त के लिए निकल पड़ा। चोर तुरंत ही घोड़े पर सवार होकर महल की तरफ चल दिया। अंधेरा होने की वजह से द्वार पर मौजूद सैनिक उसे पहचान नहीं सके। वो बहुत ही आराम से महल में पहुंचा और राजा के कमरे में जाकर सो गया। उधर राजा सुबह होने से पहले तक साधु की जगह पर बैठा रहा।
उसे लगा कि कुछ देर बाद ही सुबह होने वाली है, अब चोर हाथ नहीं आएगा। दूसरे साधु उसका घोड़ा लेकर ऐसा गया कि लौटा ही नहीं। राजा ने महल लौटने का फैसला किया। जब राजा महल के फाटक पर पहुंचा तो सिपाहियों ने उसे अंदर घुसने ही नहीं दिया। उन्हें राजा कोई बहरूपिया लगा। राजा ने सिपाहियों को बहुत समझाया लेकिन वो टस से मस न हुए। उन्होंने राजा को पकड़कर काल कोठरी में डाल दिया। जब दिन का उजाला फैला तो काल कोठरी के पहरेदार ने राजा को पहचान लिया। वो डर के मारे थर थर कांपने लगा। उसने तुरंत राजा को बाहर निकाला और उससे माफी मांगने लगा। राजा ने सभी सिपाहियों को तलब किया और महल पर धावा बोला, लेकिन चोर बहुत ही होशियार था। वो बहुत आराम से महल में सोता रहा और सुबह होने से पहले ही वहां से रवाना हो गया। वो राजा की पोशाक और घोड़े के साथ फरार हुआ था। चोर से इस तरह से हारने पर राजा के मन में बहुत ग्लानि थी। उसने पूरे शहर में ऐलान किया कि चोर राजमहल में हाजिर हो, उसे माफ कर दिया जाएगा, उसे कोई सजा नहीं दी जाएगी, बल्कि उसकी चतुराई के लिए उसे पुरस्कार दिया जाएगा। चोर आदत के मुताबिक उस वक्त भी आम शहरी के तौर पर दरबार में मौजूद था। वो फौरन ही हाजिर हो गया। राजा को उसके दिलेरी और तुरंत हाजिर होने पर शक हुआ। सबूत के तौर पर चोर ने घर से लाकर राजा की पोशाक और महल से चुराए गए हीरे और जवाहरात पेश कर दिए। इसके बाद वो क्षमा की मुद्रा में खड़ा हो गया। उसने राजा का घोड़ा भी वापस कर दिया। वादे के मुताबिक राजा ने उसे माफ कर दिया। चोर ने भी चोरी से तौबा कर ली और नेक और ईमानदार इंसान बनकर रहने लगा। अभी आपने ये कहानी सुनी। अब आपके सोने का वक्त हो गया है। नींद आपकी आंखों में भरती जा रही है। आपकी पलकें बोझिल हो रही हैं और अब आप आहिस्ता आहिस्ता नींद की वादियों में उतरते जा रहे हैं। उतरते जा रहे हैं।